हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक एजुकेशन से जुड़े टॉपिक के बारे में। जैसा आपके सामने है, राजस्थान द्वारा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी है, और इसमें जो स्टार्ट है वो 9 अगस्त से स्टार्ट है। लास्ट जो डेट है अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर। जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो नोटिफिकेशन जारी है 2024 का। जी हाँ, और एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर में किया जाएगा, 21 से लेकर 26, 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट और अप्लाई कर सकते हैं। और किस किस पोस्ट के लिए है ये, तो यहाँ पर आके या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एजुकेशन की बात करें तो इसमें +2 बैचलर और UGC की, यहाँ पे UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री, और UGC और AICT से अप्रूवल होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। एज की बात करें, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 है। अदर कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है। जी फीस की बात करें, जनरल OBC के लिए 600 रुपये है, वहीं अगर बात करें EWS के लिए 400 है, और SC ST फीमेल के लिए भी सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे MCQ टाइप एग्ज़ाम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150। जी हाँ, और यहाँ पे ईच मार्क क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का रहेगा अगर वो करेक्ट रहता है, और यहाँ पे जो है रॉन्ग आंसर की या नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नोटिस है 17 पेज का, जिसमें पोस्ट के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल है तो उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वो आप पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। जी तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप जो एग्ज़ाम के लिए है अप्लाई कर सकते हैं। जी तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।